आर्यन जी, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये काफ़ी अच्छी बात है। जितने लोग, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है हम सब की सेफ्टी के लिए है। ये कोई, आप इसमें किसी भी डरने की, किसी प्रकार के डरने की बात नहीं, इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरी वन। और जितना हम इसको, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करेंगे उतना जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे। देखिए, हम सब जो है ऑल इंडिया में जितने भी लोग हैं वो साइंस पढ़ते हैं, 10th तक वो साइंस पढ़ते हैं। और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। वैक्सीन 100% सेफ है। सब लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। और जितना जल्दी हम वैक्सीन लगाएंगे उतना जल्दी इंडिया जो है इस वैक्सीन के, जो पैंडेमिक, जो आज हम पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, हमारा कंट्री पैंडेमिक फेस कर रहा है, उससे बाहर आ पाएगा। मैनेजमेंट में कहूँगा इट वॉज नॉट एब्सोल्युटली इफेक्टिव। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेटर मैनेज हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग का उतने अच्छे से पालन नहीं हुआ, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आगे से जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का और अच्छे से पालन हो। बाकी एज फार एज द पैरामेडिकल स्टाफ इज कंसर्न, दे आर डूइंग देयर जॉब टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, दे आर सर्विंग ऑल ऑफ अस एंड वी नीड टू थैंक देम। बाकी एज फार एज सोशल डिस्टेंसिंग इज कंसर्न, दैट इज वन एस्पेक्ट आई थिंक वेयर दे कैन इंप्रूव। वैक्सीन जो आज लगाई जा रही है 18 से अबो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, COVID-19 की वैक्सीन, ये आज से हमने शुरू की। कल डी साहब ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उसके बाद आज से हमने ये वैक्सीनेशन स्टार्ट की है। तो इसमें हम जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, वो लोग अपने COVIN.gov.in पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन करा के अपने नियरेस्ट या अपने स्लॉट में देख के वहाँ पे जाके अपनी वैक्सीनेशन कराएं। और ऑन स्पॉट प्रायोरिटी ग्रुप के लिए जो भी हमारे प्रायोरिटीज़ ग्रुप हैं वो आके उनको हम ऑन स्पॉट भी उनको हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे 100 के करीब यहाँ हुई सुबह से, तो अभी भी लोग आ रहे हैं। जो उनकी रजिस्ट्रेशन 250 का स्लॉट था, 250 का पूरा स्लॉट ये बुक हो चुका था, तो उसमें से अभी कुछ लोग आ रहे हैं जिनको हम वैक्सीन कर रहे हैं। उसके बाद जब तक 4 बजे तक जितने भी आ जाएंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या ऑन स्पॉट हो, हम उनको वैक्सीन यहाँ पे लगाएंगे। हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं या अबो 45 फॉल करते हैं, वो आके अपनी वैक्सीनेशन लगाएं, ताकि ये वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को और अपनी कंट्री को इस मोहलिक बीमारी से बचा सकें। और इसका एक ही हथियार है हमारे पास, वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन हर एक को ज़रूरी है। अब हमारे पास जो 18 का स्लॉट आया है, अबो 18 के और 44 तक आया है, इन लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद आके अपनी वैक्सीन इन टाइम ले लें, जब भी उनकी टर्न आती है वैक्सीन ले लें। हमारी ये अभी तो स्टार्ट में हमने पायलट प्रोजेक्ट तरह हमने गुंदो, भदरवा, ठाठरी, असर और डोडा और गाठ में हमने ये इन जगहों पे हमने ये वैक्सीनेशन जो स्टार्ट कर लिया है। नहीं देखो, ये तो रूमर्स से रूमर्स फैलाते हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पे आ रहे हैं, ये इन्हीं को हमने कट करने के लिए आपकी माध्यम से, आपकी वसादत से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और आप भी जहां जहां भी जाएंगे, जिनसे भी बात करेंगे, उनसे बोलिए कि ये तमाम अफवाहें हैं, बेबुनियाद अफवाहें हैं। इतने लोगों को, कम से कम 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में अभी तक ये वैक्सीन लग चुकी है। अभी तक कोई ऐसा अनटोवर्ड एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से ये हो जाए। और पूरी वर्ल्ड में चल रहा है ये वैक्सीनेशन ड्राइव, ये चाहे हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। क्योंकि एक ही पूरी वर्ल्ड में एक ही कंसेप्ट WHO ने लिया कि इस बीमारी को बचाने के लिए एक ही हथियार है, जो कि वैक्सीन बनाई है। और साइंसदान ने, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च हैं जिनने ये बहुत ही मेहनत, अनथक कोशिशों के बावजूद बहुत जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को तैयार किया और हम लोगों तक पहुँचाया। और हम लोगों को चाहिए कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और वैक्सीन लगाएँ और पूरी कौम को, कम्युनिटी को, इंडिया को और स्टेट को इस मोहलिक बीमारी से आज़ाद कराएं, ताकि हमारा जो रूटीन का वर्क था जो पिछले 1.5 साल से इंटरप्ट हुआ है, हम इस काम के नहीं हैं, तो इस हम एक उस ट्रैक पे आ जाएं, ताकि हमारा मुल्क फिर वही सी लाइन पे आ जाए और हम तरक्की करें और हम आगे की तरफ बढ़ें। आज से 18+ जो वैक्सीनेशन के यहाँ ड्राइव चली है डोडा में, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 6 साइट्स पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। 18 से ऊपर की जो एज के लोग हैं, हमारी सबसे अपील है कि वो जल्द अज जल्द जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन करवाएं। इस बीमारी से लड़ने का वाहिद यही एक ज़रिया है। और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दें। अफवाहें जो हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग जो नहीं चाहते हैं कि इस बीमारी को अपने इलाके से दूर, अपने जो रियासत से, अपने यूनियन टेरेटरी से दूर किया जाए, या जिनके कुछ खास मकासद होते हैं वही फैलाते हैं। हमारी सबसे गुजारिश है कि वो इस मसले में डॉक्टर से सलाह लें या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें और अफवाहों पर कान न धरें। और अपील यही है कि जल्द अज जल्द जाके वो वैक्सीनेशन साइट्स पे अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन करें।
आइए 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 चलो चलिए कुछ नहीं करना।